जालौन मेट्रो से मेरश्मी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात सीएचसी में तैनात डॉक्टर पर उपचार के बहाने लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। सुबह होने पर लड़की ने परिजनों को सुनाई आपबीती। स्थानीय लोगों ने पब्लिक प्लेस पर डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने चिकित्सक को अपने कब्जे में लिया और थाने ले आई। मामला जनपद जालौन के कदौरा क्षेत्र का है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जालौन मेट्रो आपको दिखा रहा है, जहां देर रात सीएचसी में तैनात डॉक्टर पर उपचार के बहाने लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। सुबह होने पर लड़की ने बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पब्लिक प्लेस पर डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने चिकित्सक को अपने कब्जे में लिया और थाने ले आई। मामला जनपद जालौन के कदौरा क्षेत्र का है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो, मैं हूं आपका अपना देवेश। इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर है जालौन मेट्रो पर, वो ये है कि धरती के भगवान पर छेड़खानी का आरोप लगा है। एक वीडियो वायरल हुआ है अभी कुछ देर पहले। वो वीडियो जनपद जालौन के कदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बताया जा रहा है, जहां पर देर रात इलाज कराने आई एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा आरोप चिकित्सक पर लगाया गया है। और जब युवती जब सुबह घर अपने पहुंची है, संभवतः कदौरा के आसपास किसी गांव से वो अपना इलाज कराने आई थी। सुबह जाके जब उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई है, तो परिजन आग बबूला हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले उस डॉक्टर का नाम भी सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार बताया गया है। और उसको भरे बाजार, क्योंकि अस्पताल गए थे परिजन, अस्पताल में वो मिला नहीं है, तो भरे बाजार जैसे ही वो मिला है तो उसको वहीं से पीटना शुरू किया है। पीटने का, परिजनों द्वारा उस डॉक्टर को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो को जब वायरल हुआ है तो स्थानीय पुलिस तक सूचना गई है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस यानी कदौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। भीड़ के कब्जे से उस डॉक्टर को छुड़ाया गया है और डॉक्टर को कोतवाली लाया गया है, थाने लाया गया यानी कदौरा थाने लाया गया है उस डॉक्टर को। और उस पूरे प्रकरण पे अब हर पहलू पर जांच की जा रही है। उस पीड़िता को भी बुलाया गया है, उससे भी बात की जा रही है, साथ ही उसके जो परिजन है उनसे भी बात की जा रही है कि आखिर वो कौन सी वजह रही है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर निकल के आ रही है, उसके मुताबिक देर रात उसके चूंकि गले में कोई दिक्कत थी, वो दिखाने आई थी, तो डॉक्टर चूंकि रात्रिकालीन उसमें ड्यूटी पर यही तैनात थे, डॉक्टर विनोद कुमार का नाम बताया गया है, इन्होंने उससे उसका चिकित्सा करने के बहाने उससे छेड़छाड़ की और उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। लड़की ने रात में तो कहीं कुछ कहा नहीं, लेकिन सुबह जब उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई है, तो परिजन आग बबूला हुए हैं। और जब उन्होंने देखा वहाँ गए हैं, वहाँ कोई मिला नहीं, संबंधित वहाँ शायद कोई चिकित्सक मिला भी हो, तो उसने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। जब वो बाजार में अभी कुछ देर पहले मिले हैं, तब उनको परिजनों ने वहीं पर मारना शुरू किया है। फिलहाल इसका वीडियो जो पुलिस ने संज्ञान में लिया है, जिन लोगों ने मारा है, क्यों मारा है, क्या वजह है, और इस डॉक्टर की ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सत्य हैं, इसके पूरी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।